वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हम सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जाएंगे जीवन माता के दर्शन करने, जो सीकर से शायद या मतलब 29 या 30 किलोमीटर दूर है देरी। तो अभी मतलब सैजल और हम जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि सुबह 8 बजे के लगभग निकल जाएंगे। अभी तक वो 9 बजे का, 9:30 बजे का नाम ले रहे हैं, तो अभी मैं बस तैयार हूँ बाकी। तो अभी उनका कॉल आएगा ना तो चलेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं और अभी जाएंगे जीवन माता के यहाँ। अंकल जी वैसे भी जल्दी कर रहे हैं, उन्होंने चाय ख़त्म कर ली तो वो बोल रहे हैं जल्दी लिख लो। अभी मम्मी जी चाय पी रहे हैं और इधर सैजल भी चाय पी रही है और इधर मौसी भी चाय पी रहे हैं। अभी मैं चाय पीती नहीं हूँ तो अभी चाय पी के निकलेंगे अभी, ठीक है। तो आपको आपको भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आप बनी रहना हमारी यूट्यूब वीडियो पे। और पहली बार जा रही हूँ और मेरे को याद है कि वो जब छोटे थे ना तो सुनते थे ना जीवन और हर्ष की कहानी, है ना, जीवन माता की। तो पहली बार जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और वहाँ पे आज भोज भी है तो खाने के लिए तो तैयार है। हाँ खाओगे तो जिसको चूरमा पसंद है वो कमेंट करके जरूर बताना कि चूरमा पसंद है। ओके चप्पल पहन रही है सज। तो अभी हम निकल रहे हैं और गाड़ी अंकल जी ने पहले से स्टार्ट कर रखी है। तो अभी सैजल चौधरी ड्राइविंग कर रही है, अंकल जी निश्चित बैठे हैं और हम चिंता में थोड़े दिरे, दिरे। आराम से आराम से। तो अभी हम बैठे हैं पीछे और सैजल और पापा जी आगे बैठे हैं। तो अंकल जी एकदम ऐसे बोल रहे हैं कि ड्राइविंग करना सीख ले, तो ये सीख रहे हैं और हम थोड़े चिंता में हैं। हमने ऐसे बोला कि हे माता हमें सही सलामत अपने दरबार में बुलाना। ये इधर पहाड़ है, बाजौर के पहाड़, मतलब आगे बाजौर गाँव है ना, इसलिए अरावली श्रृंखला बता रहे हैं। ये अरावली श्रृंखला है, प्रेम सिंह बाजौर का गांव है। हाँ। डीजल डला रहे हैं अपन गाड़ी में। हाँ। और जीण माता जी जा रहे हैं। हाँ। आज सैजल बहुत एक्साइटेड है, ये ड्राइविंग कर रही है, ये ड्राइविंग की चरम सीमा पे है, मतलब इसको बढ़िया तरीके से गाड़ी चलानी आ गई है। और हम किसी को ड्राइवर की जरूरत हो तो बता देना। हाँ किसी को अगर मंजे हुए ड्राइवर की जरूरत हो तो बताना। पहले तो यार मेरे को ही सिखा देना, है ना, क्योंकि मेरे को नहीं आते बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती। ये जीण माता जी का प्रवेश द्वार है, गोरिया से हम निकल चुके हैं। और जोर से बोलो। ये जीण माता जी का धाम, ये गेट द्वार है भाई, हम प्रवेश द्वार माँ भगवती का, जहाँ की यात्रा पे हम जा रहे हैं। वह स्वामिनी प्रसादी है, हम लोग सब वहाँ पे चूरमा लेंगे, दाल बाटी लेंगे। पहले तो माता जी को जाके आएंगे, दर्शन करके आएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। मंदिर का प्रवेश द्वार है ये, तो अभी पहुंच चुके हम जीन माता जी गांव। यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी आई हूँ क्या पहले यहाँ। हाँ हो सकता है तेरा पुनर्जन्म हुआ हो पिछले जन्म। नहीं मतलब छोटी थी तब घर वालों के साथ, पुनर्जन्म का तो क्या सिस्टम है, पूरा ही है सिस्टम तो क्यों नहीं है। नहीं लग रहा है जैसे, पता नहीं, हो सकता है कभी आई हूँ। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं जीन माता मंदिर और आज पूरा टाइम मतलब सैजल गाड़ी चला के लेके आई है, इसके चेहरे पे खुशी देखो भाई, हैं, और सही सलामत पहुंचा के लाई है, इसके लिए हमारे चेहरे पे खुशी देखो। तो अभी हम सारे डिस्कस कर रहे हैं कि किसको क्या क्या लेना है और अंकल जी भी प्रसाद लेके आ चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं बस, मंदिर यहीं पे है पास में, इधर आस पास दुकानें हैं, मतलब ज़्यादातर प्रसाद की, प्रसाद की जूस की दुकान है। कोई जा रहा है और कोई आ रहे हैं दर्शन करके और हम सारे, ये दुकानें हैं खिलौने की, इधर प्रसाद की। चप्पल कहाँ उतारोगे ये देख लो, क्योंकि चप्पल फिर मिलती नहीं है। हमें तो अभी हाथ धो के आ रहे हैं और फिर
मंदिर आ गया यहाँ पे, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसे मंदिर में इधर आए हैं ना तो अभी खुशबू आ रही है जो धूप करते हैं ना उसकी। तो मंदिर ऊपर की साइड है क्या उधर? इधर से जाने का, इधर से आने का। तो अंकल जी फिर से प्रसाद, अच्छा वो माता जी चुनर ले रहे हैं। ये सही है ना? सही है, मेरे को सही नहीं दिया मतलब। जय माता जी है। ऊपर कर रहे यार थोड़ा सा, अभी लग रहा है ना पूरा एकदम फील आ रही है पूरी। हम जा रहे हैं माता के, ये बांध लिया, बहुत सुंदर भी लग रहा है यार, है ना। तो अभी आ गए हैं यहाँ पे, और ऐसा बोल रहे हैं जहाँ पे ऊपर जाएंगे ना मंदिर में तो वहाँ पे फोन अलाउ नहीं है, फोन अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक ही हम वीडियो बनाएंगे, इसके आगे फिर वापस बाहर आके बनाएंगे वीडियो। यार इसमें मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है ना, खुशबू भी आ रही है ना, खुशबू आ रही है जो धूप करते हैं उसकी आरती की खुशबू आ रही है। तो अभी आ गए हैं मंदिर में, यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर ही है कि यहाँ पे सारे लाइन पे लग रहे हैं, और भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो नवरात्रे होते हैं ना उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो नॉर्मल ही है, कम कम ही लोग। अभी भी मैं गिर जाता, लाइन में लग गए हैं और उसके बाद में दर्शन होंगे तो आपको भी दिखाएंगे, है ना। मुझे कैसा लग रहा है? ये हाल है पूजा की, और हम सारे गलती आ गए दर्शन करके आ गए, वहाँ पे फोन था नहीं अलाउ। यहाँ से काजल लिया हमने, काजल आंखों में लगाने की, काजल लगाने की क्या पड़ता है अंकल जी? आंखें ठीक रहती है। अच्छा, यहाँ का जो काजल लगाते हैं ना तो फिर आंखें ठीक रहती है, ऐसे काजल लगा रहे हैं हमने सोने। तो अभी यहाँ पे आगे भैरू जी का मंदिर है, तो अभी हम भैरू जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। ये मंदिर इससे ऊपर है, फिर इधर की साइड में चलते हैं कि माता जी कहने के बाद यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। हाँ, तो ये ऊपर से भी यहाँ माता जी के दर्शन जब माने माने जाते हैं, जब आप भैरू जी के दर्शन। अच्छा, तो हम तो अभी भैरू जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ये प्राचीन दूना है। हाँ, जहाँ पे संतों ने तपस्या की है, और ये बटुक भैरव जी की एक मंदिर है साथ में। यहाँ पे बटुक भैरव जी का मंदिर है, ऊपर वाला भैरवनाथ का था, ये बटुक भैरव का है। तो अभी यहाँ मंदिर के बाहर हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, और अभी चलेंगे फिर से। अभी कौन से मंदिर में जाएंगे अंकल जी? अभी जीमन स्टार्ट होएगा तो जिम में चलेंगे हम। स्टार्ट है क्या? स्वामिनी थी तो अभी हम खाना खा के आएंगे, भोज खा के आएंगे।
और अंकल जी दाल बाटी चूरमा खाएंगे, दाल बाटी चूरमा दबा के खाएंगे, राजस्थान सूरमा बनाएंगे। पहाड़ देखो, बोल जिन भवानी मैया की जय, बोल भैरो नाथ की जय, बोल भटक भैरो की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल मनोरंजी वाले की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब हम धर्मशाला जाते हुए जा रहे हैं खाना खाने के लिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए चूरमा दाल बाटी आनंद लेंगे हम। हाँ, तो अभी चप्पल पहन ली हमने, आ गए मतलब वापस बाहर, मैं कहती रहन रही हूँ चप्पल मेरी बस पहन ली, और इस गुड़िया ने चप्पलों का ध्यान रखा है, मतलब कि चप्पल कोई ले ना जाए, क्योंकि मंदिरों में चप्पल वगैरह मतलब चोरी नहीं होते, पर चोरी होते हैं, दूसरे नहीं होते, वो एक्सचेंज हो जाते हैं कई बार, भूल जाते हैं लोग, न्यू वाली पहन जाते हैं, पुरानी वाली छोड़ जाते हैं, ये अपनी क्वालिटी उतारी है। अगर कुछ भी करना है तो पहले मंदिर में आके मैंने नहीं यार मेरे चप्पल ठीक है, अंकल जी की कहीं ना उसे नंदी जी लग। हाँ तो आप आए नहीं साथ में, अंकल जी उधर जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो, हैं दोनों के साथ, अंकल जी साथ में आओ, आपकी फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है साथ में, आप आओ दोनों साथ में, ये पूरे हम इतने आए हैं। तो अभी हम धर्मशाला में पहुंच चुके हैं, अभी भोजन ग्रहण करेंगे प्रसाद, और अंकल जी मुझे मिले हैं, जब हम पहले गए थे ना कसौली धाम तब मिले थे, तो अभी मुझे देखते बोले वीडियो बना रही है मैं क्या, अभी दादाजी बैठे हैं यहाँ पे, आप घूंघट पर्दा अभी भी चला रहे हो है? तो अभी हम खाना खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा चूरमा खाया है, ऐसा प्रसाद वाकई में बहुत कमाल था, दाल भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, अब पेट भर के खाया अभी। तो अभी हम खाना खा के आगे, पेट पूजा हो गई पहले, और अभी थोड़ी मतलब थोड़ा कुछ खरीदेंगे, देखेंगे कि दुकानों में क्या क्या है। क्या कर रही हो? ये फिट आएगी देखो ₹60 बच्चों की है, बच्चों की। तभी हम दुकानों में देख रहे हैं ये क्या पसंद है, ये तो नाक की है, नाक की है ना, नाक की, मैंने तो नाक बिंदवाई नहीं रखा है। कौन सा सुंदर है इसमें, ये वाला मेरे को सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा है यार, ये तो गलत बात है, मुझे पता कैसे चलेगा मैं कैसे लग रही हूँ। ये दोनों सेम सेम हमें पसंद आए हैं दोनों को, ठीक है सेम सेम, इसके पैसे नहीं करेंगे अभी। इन दोनों के ₹150, ठीक है अब ₹20 है ही नहीं हमारे पास और। हाँ चालू जब बुला रहे हो यार, पहली बार 200 के दो थे और हम 150 के लेके आए, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मेरे को दिला रहा दिला दो, ₹10 भी नहीं है तो मेरे पास, 50 थे पूरे कर दिए हमने तो, ₹60 थे मेरे पास। अभी आइसक्रीम खाने आ गए, शायद वो खिला रहे आइसक्रीम, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, आज मजे है ना काफी, आज काफी मजे है। हमने पता क्या क्या खरीदा है,
एक दो छोटे छोटे जो कानों में पहनने के होते हैं लॉन्ग, वो और दो चश्मे, एक कड़ा और ये आइसक्रीम, बस इतनी है ना, इतना ही खरीदा। तुमको पकड़ के लेके आगे, चलो यार पैसे खत्म हो गए तीनों के बाद, चलो यार फिर। तो अभी हम चारपाई पे बैठे हैं और बस आइसक्रीम खा के फिर जाएंगे अंदर, है ना। अब सुनाओ ये तो मां ये फोन सुनो आडे तने क्यों आडे नहीं आडे नहीं सुना रो पड़े लो बटे हम तो मुझे ना सुनो हम तो बात कर सके एक आदी तो आन दे आन दे दादा जी शर्मा गए तर माने पाड़ा सुनावा तो अभी हम मतलब दर्शन करके वापस घर जा रहे हैं और ये ड्राइवर चेंज हुआ, अभी ड्राइवर चेंज हो गए हैं, अभी अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं और हम